अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि पेशावर से खबर है कि गुलबर्ग नोथिया रेलवे ट्रैक के करीब दुकानों में आतिशबाजी की, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू के मुताबिक आग की शिद्दत देखते हुए मजीद गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। आपको बताएं कि पेशावर से खबर है गुलबर्ग नोथिया रेलवे ट्रैक के करीब दुकानों में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू की जानिब से कहा गया कि आग की शिद्दत देखते हुए मजीद गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं और ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पेशावर में ये वाकया पेश आया है और इस वाकये की मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं यासिर अली से। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पेशावर का इलाका नोथिया गुलबर्ग में ये आग लगी है। कबाड़ की मस्जिद में ये आग लगी हुई है और आग के शोले जो है वो दूर दूर से नजर आते हैं। तो इस वक्त जो रेस्क्यू 112 और दीगर जो इमदादी टीमें हैं वो जहाज पर मौजूद हैं। रेस्क्यू की जानब से 6 गाड़ियां मूव की गई हैं। उस वक्त आग पर जो काबू है वो पाने के लिए कोशिशें की जा रही है, जबकि पुलिस और दीगर इमदादी टीमें भी यहाँ पर पहुंची हुई है। अभी तक ये वादी नहीं हो सका कि आग किस वजह से लगी हुई है। तमाम आग के शोले जो दूर दूर तक से दिखाई देते हैं। आग के शोले ने पूरे मार्केट को अपनी लपेट में लिया हुआ है और अभी तक कोई जानी नुकसान के इतलाक नहीं मौसूम नहीं हुई। तमाम बताया जा रहा है कि आग जो है वो उसकी शिद्दत ज्यादा है और जो इमदादी टीम है वो आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है। आग जो है उसने पूरे मार्केट को अपने लपेट में लिया हुआ है और जो इमदादी टीमें हैं उसको जाए हादसे पर मौजूद हैं और आग बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी जी यासिर अली, आपका शुक्रिया।